नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार, आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर से, कक्षा 10वीं तथा कक्षा 12वीं के सीबीएसई बोर्ड आरबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी परीक्षाओं से फ्री हो चुके हैं। आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर की ओर से बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा 2024 का आयोजन 4 फरवरी 2024 को करवाया गया था। इस परीक्षा का परीक्षा परिणाम तथा सम्मान समारोह आने वाली 7 अप्रैल 2024 यानी रविवार को आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर के प्रांगण में आयोजित होने जा रहा है। इस परीक्षा में मुंडावर क्षेत्र, नारायणपुर क्षेत्र, कोटपुतली क्षेत्र और बानसूर क्षेत्र के कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया था। सभी विद्यार्थियों के लिए सुबह 8 बजे यह कार्यक्रम 7 अप्रैल को आयोजित होगा। इसके लिए वाहन सुविधा भी नारायणपुर, मुंडावर तथा कोटपुतली के लिए रखी गई है। जिस सेंटर पर आपने एग्जाम दिया था उसी सेंटर पर आरसीआई की बसें सुबह 7 बजे वहां से रवाना होंगी, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ में जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए क्या सब्जेक्ट चूज करें, आगे हम किस क्षेत्र में हमारा करियर बनाएं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उनके दिमाग में चल रहा है, अभिभावक के भी चलता है। कक्षा 10वीं के बाद विद्यार्थी कौन सा सब्जेक्ट चूज करे, उसे विज्ञान में बायोलॉजी या मैथ्स सब्जेक्ट चूज करना है तो क्यों करें, आर्ट्स सब्जेक्ट में जाएं, कॉमर्स में जाएं, एग्रीकल्चर फील्ड में जाएं। इसी के साथ में कक्षा 12वीं के जो विद्यार्थी विज्ञान वर्ग से या अन्य किसी सब्जेक्ट से कक्षा 12वीं की परीक्षाएं दे चुके हैं उनको अब आगे किस फील्ड में किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, इन सब के लिए आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर की ओर से कैरियर डे सेमिनार का आयोजन भी 7 अप्रैल को ही आरसीआई शिक्षा ग्रुप के प्रांगण में आयोजित होगा। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे आरसीआई कैंपस बानसूर पहुँचें और अपने कैरियर से संबंधित जानकारियाँ, इसी के साथ में यदि आपने बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षा 2024 में पार्टिसिपेट किया है तो अपना मान सम्मान और अपना परीक्षा परिणाम भी अवश्य देखें। धन्यवाद। नमस्कार।